प्रिय छात्रों, व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे आंतरिक व्यापार क्या है, इसके बारे में हमने जाना था। तो एक देश की सीमा के भीतर जो व्यापार किया जाता है वो आंतरिक व्यापार कहलाता है। आंतरिक व्यापार को जो है दो भागों में बांटा गया था, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार वो व्यापार होता है जिसमें कि माल उत्पादक से इकट्ठी मात्रा में व्यापारी खरीदता है और उसको फुटकर फुटकर करके फुटकर व्यापारी को यहाँ पर अलग अलग इकाइयों में बेचता है। वहीं फुटकर व्यापारी जो है सीधा उपभोक्ताओं से जुड़ा होता है और ये माल को जो है थोक व्यापारी से प्राप्त करके फुटकर व्यापारियों को फुटकर फुटकर छोटी छोटी इकाइयों में बेचता है। अब यहाँ पर फुटकर व्यापारी को जो है वो दो भागों में बांटा गया था। एक तो ऐसे फुटकर व्यापारी जो घूम घूम कर व्यापार करते हैं, जिनको हम भ्रमणशील फुटकर व्यापारी कहते हैं। इनमें फेरी वाले हो गए, ठेले में हो गए, सड़क के किनारे बैठकर या स्टेशन के किनारे बाहर या बस स्टॉप पर या पटरियों पर, इस प्रकार से फुटकर फुटकर में ये माल को बेचते हैं और इनका एक स्थान जो है निश्चित नहीं होता, वहीं इनके व्यवसाय का स्वरूप भी निश्चित नहीं होता। तो ये कौन से थे, ये फुटकर व्यापार में जो है यहाँ पर फेरी वाले हो गए। दूसरा जो प्रकार था वो दीर्घ स्त्री दुकान वाले, अर्थात इनका एक स्थायित्व तो होता है, ये एक दुकान में बैठकर या एक स्थान में बैठकर व्यवसाय को करते हैं। तो इनमें जो है हमने देखा था कि विभिन्न विभागीय भंडार हो गए, विभिन्न शॉपिंग मॉल्स हो गए, विभिन्न प्रकार की दुकानें हो गई, स्थायी दुकानें हो गई, विभिन्न विशेष वस्तुएं वाली दुकान हो गई। तो इसमें जो है हम इसकी दीर्घ स्त्री दुकानों के अंतर्गत जो है छठवें बिंदु मॉल्स। मॉल्स क्या होते हैं, हम देखते हैं कि हर बड़े शहरों में जो है एक बड़ा विशाल व्यवसायिक परिसर होता है जिसमें बड़ी बड़ी दुकानें और शोरूम होते हैं। तो ये व्यवसायिक परिसर जिसमें बड़ी बड़ी दुकानें और शोरूम की श्रृंखला होती है जिसमें विविध प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं। इन हर एक दुकानों के अलग अलग क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। जैसे विभागीय भंडार में देखा था हमने कि स्वामी एक ही होता है, लेकिन वहाँ अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग प्रकार की वहाँ दुकानें होती हैं। लेकिन मॉल्स में क्या होता है, यहाँ पर जो है एक बड़ा भारी विशाल परिसर होता है, व्यवसायिक परिसर, जिसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं और ये दुकानें जो हैं इनके हर एक दुकान के अलग अलग स्वामी होते हैं जो कि अपने हिसाब से वस्तुओं को वहाँ बेचते हैं। तो इन मॉल्स में जो है विभिन्न शॉपिंग सेंटर होते हैं, विभिन्न हमारी आवश्यकता की सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, स्टोर्स सेवा केंद्र होते हैं, मनोरंजन के केंद्र भी होते हैं, कार्यालय परिसर होते हैं, खाने पीने के फूड कोर्ट तथा उपभोक्ताओं से संबंधित अन्य सुविधा केंद्र इसमें होते हैं, तो कहलाते हैं मॉल्स। इसमें क्या है विशेषताएं, इसकी विशालता, इसमें जो है बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं और पृथक स्वामित्व वाली होती हैं, अर्थात हर एक दुकान का जो है अपना एक स्वामी होता है, मालिक होता है, जो कि अपनी दुकान में अपनी वस्तुओं को बेचता है। दूसरा, वस्तुएं व सेवाएं, मॉल में प्रत्येक वस्तु व सेवा की अलग अलग दुकान होती है। मॉल में जो है प्रत्येक वस्तु और जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है उनकी हर एक की क्या अलग अलग दुकान होती है। फिर यहाँ बिक्री जो है वो कैसी होती है, नगद होती है, नगद बिक्री या क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही वस्तुओं को बेचा जाता है। अब विज्ञापन की बात करें हम यहाँ, तो चूंकि एक ही परिसर में बहुत सारी वस्तुओं की दुकानें होती हैं, तो यहाँ पर जो है विज्ञापन जो है मॉल में अपने आप, जब व्यक्ति एक दुकान से निकल के दूसरी दुकान में जाता, तीसरी दुकान में, इस प्रकार से वस्तुओं का जो विज्ञापन है वहाँ अपने आप होता चला जाता। तो एक ही विज्ञापन में सभी वस्तुओं का यहाँ विज्ञापन हो जाता है, अर्थात उस मॉल में किस किस प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं इसका जो विज्ञापन है वो एक ही बार में हो जाता है। फिर वित्तीय सुविधाओं की बात करें, विविध सुविधाओं की बात करें यहाँ, तो जो भी आवश्यक सेवाएं हमसे जुड़ी हुई, चाय नाश्ते की, जलपान से संबंधित सुविधा, मनोरंजन से सुविधा हो गई, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने वगैरह, इन सब की सुविधाएं मॉल्स में होती हैं। और फिर पार्किंग, बड़े शहरों में सबसे मुख्य समस्या जो पार्किंग की होती है, वाहनों को स्टैंड में रखने की। तो चूंकि शोरूम जो है एक बड़े स्थान पर, बड़े शहरों में होते, यहाँ पर जो है बड़ी जगह में मॉल्स की स्थापना की जाती है, तो पार्किंग के लिए जो है बड़ी और खुली जगह इसमें होती है। तो ये क्या मॉल क्या है आंतरिक व्यापार के अंतर्गत, ये हमने देखा स्थायी
दीर्घकालीन दुकान के अंतर्गत। सातवां जो है स्वचालित विक्रय मशीन। स्वचालित विक्रय मशीन ये क्या है, अर्थात ऐसी मशीन जिसमें कि विक्रेता के वहां उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात यहां पर हम देखते हैं कि जिस देश में मानव श्रम अत्यधिक महंगा होता है, वहां वस्तुएं विभिन्न प्रकार की स्वचालित मशीनों से बेची जाती हैं। अर्थात जो वस्तुएं हैं वो उस मशीन के अंदर होती हैं और उस वस्तु की जो कीमत होती है, एक निश्चित इकाई की जो उसकी कीमत है, उस कीमत के बराबर जो है हम उसमें रुपया जो है डालते हैं, सिक्का डालते हैं। तो जितने हम सिक्के उसमें डालते हैं उसकी कीमत के अनुसार जो है वो वस्तु स्वतः मशीन से बाहर आ जाती है। तो इसमें जब कोई व्यक्ति इन मशीनों में वस्तु की कीमत का निश्चित मूल्य के सिक्के डालता है तो वह वस्तु स्वतः मशीन से बाहर आ जाती है। ये मशीनें जो है दुकानों में, सार्वजनिक स्थानों में जैसे रेलवे प्लेटफार्म, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि की वेटिंग लॉबी या सड़क के किनारे रखी जाती हैं। तो स्वचालित विक्रय मशीन जैसे कि हम देखते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन में यदि प्लेटफार्म टिकट 5 रुपए का है तो 5 का सिक्का यदि हम उसमें डालते हैं तो हमें वहां पर प्लेटफार्म टिकट जो है वो प्राप्त हो जाती है। अर्थात वहां पर टिकट बेचने के लिए किसी व्यक्ति को बैठाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हम जैसे रेलवे स्टेशनों में देखते हैं पानी जो है निश्चित निर्धारित हम सिक्का डाल देते हैं और मशीन से जो है पानी हमारी बॉटल में निर्धारित मात्रा का आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं स्वचालित विक्रय मशीन के अंतर्गत जो है वहाँ पर ऐसी सेवा है ये जिसमें के अंतर्गत वस्तु या सेवाएं जो है हम मशीन के माध्यम से परचेज करते हैं, खरीदते हैं। इसकी विशेषता है सस्ते मूल्य पर वस्तुएं, अर्थात कम कीमत व शीघ्रता से वस्तुएं मिल जाती हैं। सस्ते मूल्य पर अर्थात जो निर्धारित कीमत है हमें उसी कीमत पर वस्तु को प्राप्त होती है, कम से कम कीमत पर, और बहुत शीघ्रता से वस्तु प्राप्त हो जाती है। फिर हिसाब की आवश्यकता नहीं है, मशीन में बिना पैसे डाले माल नहीं मिलता, अतः हिसाब किताब की इसमें आवश्यकता नहीं होती। जो निर्धारित उसकी कीमत है उस कीमत के बराबर हम सिक्का उसमें डालते हैं और हमें उतनी क्वांटिटी में जो है वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। फिर प्रमापित वस्तुएं यहाँ पर जो है कीमत के हिसाब से मापदंड निर्धारित रहता है, तो यहाँ पर जो है निश्चित माप की वस्तु प्राप्त करना संभव होता है। फिर समय से मुक्ति, अन्य दुकानों की तरह खोलने और बंद करने से मुक्ति मिलती है, अर्थात आवश्यकता नहीं होती कि हमें एक निर्धारित समय पर इसको खोलना और निर्धारित समय पर बंद करना। जिस प्रकार से ATM मशीन हम 24 घंटे जो है उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, चाहे रात को 2 बजे हो या सुबह 4 बजे। अर्थात यहाँ पर जो है स्वचालित विक्रय मशीन में जो है समय का बंधन नहीं होता। फिर मोल भाव से मुक्ति, यहाँ पर जो है वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, रेट उसका निर्धारित होता है, तो हमें निश्चित रेट पर निश्चित वस्तु प्राप्त होती है, अर्थात विक्रय जो है निश्चित भाव से होता है। तो यह है स्वचालित विक्रय मशीन। इसके बाद हम देखते हैं अब उपभोक्ता सहकारी भंडार। उपभोक्ता सहकारी भंडार ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, स्वैच्छिक संगठन। इसमें क्या करते हैं कि एक समूह में कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं और वो लोग जो हैं अच्छा माल खरीदने के लिए, कम से कम कीमत पर माल खरीदने के लिए अपनी पूंजी को वो एकत्रित करते हैं और फिर उस पूंजी के माध्यम से डायरेक्ट उत्पादनकर्ता से माल को खरीदते हैं और फिर माल खरीदने के पश्चात जो है अपने सदस्यों को उचित कीमत पर वो वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो ये उपभोक्ताओं का क्या है, एक ऐच्छिक संगठन है जिसमें कुछ उपभोक्ता कम से कम कीमत पर अच्छा माल प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। इसमें वे अंश पूंजी के रूप में अपना अंशदान देते हैं, अर्थात यहाँ जो पूंजी लगाते हैं वो सभी सदस्य मिलकर जो है अपनी अपनी पूंजी इसमें लगाते हैं और उस पूंजी को लगाकर जो है ये क्या करते हैं, ये संगठन जो है निर्माताओं से कम कीमत पर बड़ी मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को उचित कीमत पर बेच देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि यदि बाजार से एक एक सदस्य अलग अलग प्रकार से वस्तु को खरीदने जाएगा तो उसको जो है वो वस्तुएं महंगी मिलेंगी, साथ ही संभव नहीं है कि उचित क्वालिटी की भी मिले। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ सदस्य आपस में मिलकर पूंजी को एकत्रित करते हैं, अपना संगठन बनाते हैं और संगठन के माध्यम से निर्माता से
बड़ी मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं। जब बड़ी मात्रा में खरीदते हैं तो उसकी जो कीमत क्या होती है, कम हो जाती है, और फिर वो उसकी छोटी छोटी इकाइयां करके वो अपने सदस्यों को उचित कीमत पर बेच देते हैं। अब बेचने के पश्चात जो है यहाँ बिक्री लाभ भी होता है, तो यहाँ पर ये जो लाभ होता है ये अपने कमाने के लिए नहीं होता बल्कि अपने सदस्यों की सेवा के उद्देश्य से की जाती है। भंडार के संचालन पर कम से कम व्यय किया जाता है और जो लाभ होता भी है तो वो सदस्यों में बांट दिया जाता है। माल बेचने के बाद, अपने सदस्यों को माल बेचने के बाद और लोगों को जो माल बेचा जाता है तो उससे यदि कोई लाभ होता है तो वो लाभ जो है जिन्होंने पूंजी लगाई है इसमें, जो उसके सदस्य हैं, उनको वो आपस में बांट दिया जाता है। इसकी विशेषताएं जो है, इसमें सदस्यों की संख्या या सदस्यों की सदस्यता शुल्क जो है खुली एवं स्वैच्छिक होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है उपभोक्ता सहकारी भंडार में सदस्य बन सकता है। फिर इसका उद्देश्य जो है लाभ कमाना ना होकर अपने सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति करना है, अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य जो है उपभोक्ता सहकारी भंडार का मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर, कि कम से कम कीमत पर अच्छा माल खरीदना और अपने सदस्यों को उचित कीमत पर माल को बेचना। तो यहाँ पर जो है उद्देश्य इनका लाभ कमाना ना होकर अपने सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करना। फिर इन भंडार गृहों में जो है सामान्यतः नगद बिक्री की जाती है। फिर निर्माताओं से सीधा माल खरीदा जाता है और यहाँ जो है थोक या फुटकर व्यापारी की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर जो उपभोक्ता सहकारी भंडार के माध्यम से डायरेक्ट निर्माताओं से संपर्क किया जाता है और सीधे उनसे माल खरीदा जाता है। यहाँ पर जो है बीच में आपके थोक या फुटकर व्यापारी की आवश्यकता नहीं होती। और अंत में जो भी लाभ होता है वो सभी सदस्यों के बीच में आपस में क्या करते हैं, उसको बांट दिया जाता है। तो ये उपभोक्ता सहकारी भंडार और उसकी विशेषताएं हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे भारत जैसे देश में उपभोक्ता सहकारी भंडार को यदि हमें सफल बनाना तो उसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए, क्या आवश्यक सुझाव है, ये प्रश्न के रूप में आ सकता है। जिसमें नंबर एक, अंशों का मूल्य, व्यापार हेतु जो पूंजी जो है अंशों के माध्यम से अथवा रिजर्व बैंक से सहायता लेकर एकत्रित की जाए व अंशों का मूल्य कम रखा जाए ताकि अधिक लोग माल को क्रय कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इसमें सुझाव है कि जो उपभोक्ता सहकारी भंडार में पूंजी लगाने के जो माध्यम अंश के माध्यम से, तो अंशों का मूल्य जो है वो कम रखा जाए ताकि बहुत सारे लोग अधिक मात्रा में उन अंशों को खरीद कर अपनी हिस्सेदारी जो है उपभोक्ता सहकारी भंडार में दर्ज करा सके। फिर दूसरा, लाभांश, सदस्यों को जो है उनके अंशों के आधार पर लाभांश दिया जाए, जो उनकी अंश पूंजी है उनके अंशों के आधार पर उन्हें लाभ में से उनको हिस्सा या अंश भाग दिया जाए। फिर क्रय नीति की बात करें तो क्रय नीति क्या है, सरकार व अन्य संस्थाएं अपनी आवश्यक वस्तुएं इन भंडारों से ही खरीदना तय करें। जैसे शासन के द्वारा लघु उद्योग के उत्पादनों को भी इस संबंध में भी सरकार के द्वारा नीति बनाई गई कि जो भी सरकारी विभागों के द्वारा खरीदी की जाए वो लघु उद्योगों के द्वारा की जाए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है सरकार और अन्य संस्थाएं जो हैं वो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जो है इन्हीं भंडारों से खरीदना तय करें। फिर थोक स्तर पर वस्तुओं का क्रय किया जाए, बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर वस्तुओं को खरीदा जाए। फिर निरीक्षण एवं जांच की उचित विधि अपनाई जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये भंडार खोले जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से अशिक्षित होने के कारण जो है यहाँ पर जो है वो विक्रेताओं से अक्सर जो है ठगी के शिकार होते हैं उपभोक्ता। तो यहाँ पर उनको जो है उचित कीमत पर उचित वस्तुएं प्राप्त हों इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से इन भंडार गृहों को खोला जाना चाहिए। और फिर नियंत्रित साख सुविधा प्रदान की जाना चाहिए, इन भंडार गृहों को माल के खरीदने के लिए जो है एक निश्चित मात्रा तक जो है उधार की सुविधा भी उपलब्ध किया जाना चाहिए, साख सुविधा जो है ना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो भारत में जो उपभोक्ता सहकारी भंडार को सफल बनाने हेतु आवश्यक सुझाव है वो, अब इसके आप हम देखते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्रीज का आंतरिक व्यापार में योगदान। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, जिस प्रकार से व्यापारियों का अपना क्या है एक संगठन है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये व्यवसायियों व उद्योगपतियों का एक क्या है स्वैच्छिक संगठन है जो किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में अपने सदस्यों के व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है।
अर्थात ये व्यापारी और उद्योगपति, उनके द्वारा जो है स्वयं के लिए बनाया गया एक क्या है, एक स्वैच्छिक संगठन है। इसमें सदस्य जो है कोई भी व्यवसायी और कोई भी उद्योगपति, जो व्यवसाय करता है और जो उद्योग को संचालित करता है, वो इसका सदस्य हो सकता है। तो ये जो है किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में अपने सदस्यों के व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। भारत में जो ये चैम्बर प्रारंभ में क्षेत्रीय आधार पर स्थापित किए गए थे, अर्थात एक छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग स्थापित किए गए थे। बाद में जो है उद्योगपतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर चैम्बर संघ बनाया, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, FICCI, जिसको हम बोलते हैं फिक्की, फिक्की के नाम से बनाया। इसके सदस्य जो होते हैं क्या होते हैं, क्षेत्रीय चैम्बर होते हैं। तो भारत में जो है ये उद्योगपतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक पूरा फेडरेशन बनाया। ये फेडरेशन जो FICCI, मतलब यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये FICCI के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्य जो होते हैं वो क्षेत्रीय चैम्बर होते हैं। इसके जो कार्य हैं, ये क्या कार्य करता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नंबर एक प्रतिकूल नीतियों से सुरक्षा। अब यहाँ पर चैम्बर जो है समय समय पर सरकारी नीतियां जो कि व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, शासन के द्वारा यदि ऐसी कोई व्यवसायिक नीतियां बनाई दी गई जिससे कहीं ना कहीं व्यवसाय और उद्योग प्रभावित होते, मान लीजिए टैक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी या किसी प्रकार की उद्योग नीति या व्यवसायिक नीति में परिवर्तन कर दिया गया, जिससे क्या है कि व्यापार व्यवसाय उद्योग जो है कहीं ना कहीं बुरी तरह प्रभावित होगा, तो ऐसी स्थिति में उससे संबंधित जो सुझाव हैं यहाँ पर जो सदस्य हैं, सदस्य जो है प्रतिनिधित्व करते हुए नीति परिवर्तन हेतु सरकार को क्या देते हैं, सुझाव देते हैं। तो पहला जो इसका कार्य है वो प्रतिकूल नीतियों से सुरक्षा प्रदान करना। फिर दूसरा जो है व्यवसायिक हित में कानून, सरकार को जो है अनुकूल कानून बनाने हेतु सुझाव देते हैं जिससे व्यवसायिक हितों की रक्षा हो सके, अर्थात व्यापार व्यवसाय उद्योग का इसमें हित हो सके। ऐसे कानून बनाने के लिए जो है इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है समय समय पर सुझाव दिए जाते हैं। फिर नई जानकारी की सूचना, सदस्यों की सहायता के लिए नए परिवर्तनों की महत्वपूर्ण जानकारी देना व व्यवसायिक उद्योग के लिए आंकड़े एकत्रित करना, ये नई जानकारी की सूचना के अंतर्गत। फिर व्यापारी व्यवसायी उद्योगपतियों के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई झगड़ा या किसी प्रकार का विवाद है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से जो है झगड़े को सुलझाना। फिर समय समय पर व्याख्यान और सेमिनार आयोजित करना, यहाँ पर जो है सदस्यों को विभिन्न प्रकार की व्यापारिक जानकारियों के संबंध में जो है शिक्षित करने की दृष्टि से, या व्यापार व्यवसाय को किस प्रकार से बेहतर संचालित किया जाए इसके लिए विद्वानों विशेषज्ञों व अधिकारियों के व्याख्यान जो है समय समय पर इनकी व्यवस्था की जाती है, आयोजित किए जाते हैं। फिर शिष्टमंडल भेजना, शिष्टमंडल भेजने से यहाँ पर तात्पर्य है कि विदेशों में जो भी व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं वहां पर किस प्रकार से व्यापार व्यवसाय उद्योगों को संचालित किया जा रहा है, इस संबंध की जानकारी के लिए जो है यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं उनको जानकारी के लिए वहां भेजना, अर्थात समय समय पर सदस्यों के शिष्टमंडल को भेजना। फिर प्रकाशन, जो भी जानकारी है व्यवसायिक संबंध में हुए नवीन शोध हुए कुछ आंकड़े वगैरह प्रवृत्तियों आदि के बारे में जो है प्रकाशन के माध्यम से जानकारी प्रदान करना। तो ये जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अर्थात चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, ये व्यापारिक व्यापारी व्यवसायी और उद्योगपतियों का एक क्या है, एक समूह है जिसमें समूह के माध्यम से ये अपने व्यवसायिक और औद्योगिक हितों की रक्षा करते हैं, और उसके जो कार्य हैं वो अभी मैंने आपको बताए। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न है, आज के माल से क्या आशा है इसके, इसमें व्यवसाय किस प्रकार से किया जाता है। फिर स्वचालित विक्रय मशीन से क्या आशा है इसकी विशेषताओं को समझाइए। फिर उपभोक्ता सहकारी भंडार से क्या आशा है उसकी विशेषताओं को बताइए। और भारत में उपभोक्ता सहकारी भंडार को सफल बनाने हेतु आवश्यक सुझाव दीजिए। और अंतिम जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्रीज से क्या आशा है समझाइए और उसके प्रमुख कार्यों को लिखिए।